फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स मैं आज बात करने वाला हूं कि अपराध के घटित होने के कितने समय बाद तक आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, तो इसे जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बना रहिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स भारतीय दंड संहिता की धारा 468 में इन बातों का प्रावधान किया गया है कि आप अपराध के घटित होने के कितने समय बाद तक एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इनमें कुछ कंडीशंस हैं, आइए इस कंडीशंस को पहले जानते हैं। पहला कंडीशंस ये है कि यदि अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है तो आप 6 माह के भीतर तक इसका एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा कंडीशंस ये है कि यदि अपराध 1 वर्ष के कारावास से दंडनीय है तो आप 1 वर्ष के भीतर तक इसका एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए और 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है तो आप इसका एफआईआर 3 वर्ष के भीतर तक करवा सकते हैं। चौथा है कि यदि अपराध जो है वो 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है तो इस स्थिति में एफआईआर की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किन कारणों से इतने दिनों तक एफआईआर नहीं करवाए हैं। उन कारणों को कोर्ट को बताना होगा और यदि आपके कारणों से कोर्ट संतुष्ट हो जाते हैं तो वो पुलिस वाले को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आप जो है इनका एफआईआर लिख ले। दूसरी स्थिति फ्रेंड्स ये आता है कि मान लीजिए अपराध हुआ लेकिन एक अपराध के साथ कई अपराध को अंजाम दिया जाता है जिनमें कई धाराएं लगी होती है, तो उनमें हम कैसे जानेंगे कि किस हिसाब से एफआईआर आपकी एफआईआर के अवधि को निर्धारित किया जाएगा, समय सीमा को निर्धारित किया जाएगा। इस स्थिति में जिन में जो भी धाराएं होती है उन धाराओं में जो जिन धाराओं में सबसे ज्यादा सजा का प्रावधान है उन धारा के हिसाब से आप समय सीमा निर्धारित करते हैं। इसका प्रोविजन जो है सीआरपीसी सेक्शन 468 सब सेक्शन 3 में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 468 सब धारा 3 में इसका प्रावधान है। उदाहरण के लिए तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई हमारे घर में बिना पूछे बिना अनुमति के हमारे घर में प्रवेश कर जाता है और किसी मेंबर का मर्डर कर देता है तो यहाँ पे 2 अपराध हो जाते हैं। एक तो गृह अतिचार का हाउस टेरेपास का अपराध, दूसरा अपराध हुआ मर्डर का। तो इन दोनों में देखा जाएगा कि किस अपराध में ज्यादा सजा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, उसी पे केस निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि अपराध के घटित होने के कितने समय बाद तक आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। जो कंडीशंस हैं दूसरी स्थिति जो है सारे कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी आप लोगों को यदि कोई क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा।